कच्चे केले के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनते हैं, तो आप लोग मेरा ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और ये वीडियो प्लीज आखिरी तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं कच्चे केले के कोफ्ते। केले के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 5 मीडियम साइज के कच्चे केले लिए हैं। इनका वजन करीब आधा किलो होगा, 500 ग्राम। तो इन्हें हमें 1 कप पानी में, या इतना पानी जिसमें केले सिर्फ डूब सके, इतने पानी में हमें मीडियम फ्लेम पर कुकर में 1 सीटी आने तक बॉईल करना है। और इसे ऐसे कट करके रखना है कुकर में, इसका दोनों सिरा कट कर लेंगे और ये पीस से इस तरीके से कट कर लेंगे। और कट करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 विसल आने तक बॉईल करेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज, कुछ लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च जितना आप तीखा खाना पसंद करें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है मैंने, कुछ दालचीनी के स्टिक है, 3-4 लौंग, 2-3 हरी इलायची, मैंने 3 हरी इलायची लिया है, और 1 बड़ी इलायची। इन सबको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी, अच्छे से फ्राई करके ग्राइंड करूंगी। उससे क्या होता है कि ग्रेवी का जो कलर आता है वो एकदम रेस्टोरेंट में जैसा आप खाते हैं वैसा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसे भूनने जा रही हूँ और भून के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने ये केले को बॉइल कर लिया है और ये इस तरीके से बॉइल हो चुका है, इतना काला हो गया है, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये ऐसे ही हो जाता है। तो अब इसे हम मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसके छिलके हटाकर इसे सिर्फ अंदर का जो हिस्सा है उसे मैश करके उसके कोफ्ते बना सकते हैं, बट अगर आप छिलके के साथ भी मैश करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी कोफ्ते बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे छिलके के साथ ही मैश करने वाली हूँ। तो इसे पहले मैं मैश कर लेती हूँ और मैश करने के बाद जो कोफ्ते का मिक्सचर मैं बनाऊंगी उसमें मैं ये हल्दी यूज करूंगी 1 छोटा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा और काली मिर्च का पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच यूज करूंगी, अजवाइन यूज करूंगी 1/2 छोटा चम्मच, और ये बेसन उतना ही यूज करना है जितना हम, मतलब जितना आपको टाइट मिक्सचर चाहिए उतना ही बेसन यूज करना है। तो पहले चलिए इसको मैश कर लेते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट बताया था उन्हें मैंने अच्छे से भून कर ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ग्रेवी में भी इसी के कारण बहुत अच्छा कलर आता है। तो इसमें मैं जो मसाले डालूंगी वो बहुत कम डालूंगी, जैसे ये 1 छोटा चम्मच हल्दी डालूंगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, धनिया पत्ती डालूंगी गार्निशिंग के वक्त, और 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और ये तेज पत्ता लिया है मैंने, बस यही डालूंगी। गरम मसाला पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया है, और ज्यादा मसाले हो जाने से भी टेस्ट क्या होता है थोड़ा खराब, अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा स्पाइसी और लगने लगता है, इसलिए मैं कम मसालों के साथ टेस्टी कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने केले को अच्छे से मैश कर लिया है। अगर आपको मैश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, और अगर आपको छिलका यूज नहीं करना है तो सिर्फ आप अंदर का जो केला है छिलके उसको हटा के अंदर के केले को यूज कर सकते हैं। अभी से हम कोफ्ता का जो मिक्सचर बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा बेसन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कितना आपको हार्ड चाहिए, इसका टेक्सचर कैसा चाहिए, उस हिसाब से आप इसको मिलाते जाएंगे। तो पहले मैंने ये आधा ही मिलाया है, इसमें अजवाइन डाल दिया मैंने, आप और भी कोई मसाले चाहे तो ऐड कर सकते हैं जो आप पकौड़े वगैरह में यूज करते हैं, मैं ज्यादा यूज नहीं कर रही मसाले। सोडा भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लफी चाहिए, पर आप यकीन मानिए आप ऐसे भी बनाएंगे तो केले का जो कोफ्ता है वो फ्लफी ही बनता है बिना सोडा के भी। तो अभी से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, ज्यादा बेसन नहीं लगा है, 1/2 कटोरी बेसन लगा है, कोफ्ते में ऐसे भी ज्यादा बेसन नहीं लगता है। तो अब इसे हम कोफ्ते का शेप देकर डीप फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल रख दिया है जितना भी चाहिए, अब
चेक कर लेते तेल गर्म हुआ है कि नहीं, छोटा सा बॉल डाल के। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी ये मैं गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर देती हूँ। और कोफ्ते को जिस भी शेप में आप चाहे, ओवल राउंड जैसा भी, उस शेप में आप बना के डाल लीजिए। तो मैं ये इसे गोल गोल बना रही हूँ। ये करीब 5 मिनट तक मैंने इसे धीमी आंच पर फ्राई किया है, क्योंकि इसे अंदर तक फ्राई होना है। अंदर अगर हम तेज आंच पर कर लेते हैं या झटपट ऊपर का ब्राउन होने पर निकाल देते तो ये सिर्फ ऊपर ही पकता, अंदर नहीं पक पाता। इसलिए 5 मिनट तक एकदम धीमी आंच पर, सीम आंच पर मैंने इसे पकाया है। और अभी पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है, देख लीजिए। तो ऐसे ही हम सारे कोफ्ते को जो है फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और इसमें मैंने तेज पत्ता और ये जो जीरा बताया था ये डाल दे रही हूँ। तो ये मसाला अच्छे से पक चुका है, देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। तो अब इसमें हम जितना भी आप ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डाल देंगे। तो मैंने ये करीब 1.5 कप पानी डाला है। और इसे इसमें उबाल आने तक इसे पकने देंगे। इसे उबाल आने तक पकने देंगे। तो ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो ये कोफ्ते हम उसमें डाल देंगे। जैसे ये कोफ्ते मैंने बताया ये थोड़े सॉफ्ट है, तो इसे हम जैसे ही ग्रेवी में डालेंगे बस एक बार इसको उलट पलट के तुरंत इसको बंद कर देंगे गैस। इसको ग्रेवी के साथ पकाएंगे नहीं, जैसे मैंने अभी ये डाल दिया सारे। डालते ही हमें ये गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, गरम गरम है ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसे पकाने की जरूरत नहीं है। और इसका लीड भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लीड लगाने के बाद वो भाप से और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा सॉफ्ट नहीं खाना चाहते कोफ्ते तो बस इसे ऐसे ही डाल के गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। ये बन के तैयार है, आप इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर दीजिए। बस ये आपका बन के तैयार है, आप इसे आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, केले का कोफ्ता बन के तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।